अस्सलाम वालेकुम। आज सरसों का साग और मकई की रोटी की रेसिपी शेयर करूंगी। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें यहाँ पे हमने एक पतीले में पानी ले लिया है, तकरीबन बड़े पतीले में मैंने इसको 1/4 पानी भरा है। और इसलिए क्योंकि जब हम इसमें साग डालेंगे तो वो ख़ुद अपना पानी छोड़ेगा। यहाँ पर मैंने साग ले लिया था, दो बड़ी बड़ी गड़ियाँ सरसों का साग लिया था, पालक की दो गड़ियाँ ली थी, मेथी ली थी, बथुआ लिया था तकरीबन एक गड्डी, और मेथी ली थी एक गड्डी। ये सब लेके हमने इसको बारीक बारीक काट लेना है। अब हम पानी उबलने का वेट करेंगे, जब इसमें पानी उबल जाएगा फिर हम इसमें अपना साग डाल देंगे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है आपने, इस बात का ख्याल रखना है, क्योंकि जो साग और पालक और बथुआ मेथी ये सारी जो है अपना पानी छोड़ती हैं। और इसमें धनिया भी था तकरीबन एक बड़ी गट्टी धनिया भी। ठीक है, अब मैं इसमें साग ऐड कर रही हूँ। जी, तो मैंने इसमें सारा ऐड कर दिया। अब मैं इसको एक दफ़ा मिक्स करूँगी और अब हम इसको कुक होने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। जी, तो 2 घंटे हो चुके हैं, साग का कलर देखें चेंज हो गया। अब मैं इसके अंदर, यहाँ पे मैंने आधा किलो हरी मिर्चें ली थी और इसमें मैंने नमक लिया था तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के, इसको मैंने ब्लेंड कर लिया और ये भी हमने इसमें साग में ऐड कर दिया। और फिर पकने के लिए हमने 1 घंटे के लिए सारी रात के लिए छोड़ दिया था। अब तकरीबन सुबह जो है फिर मैंने इसमें साग में हम 1/4 कप आटा लेंगे और आटे को हम स्प्रिंकल करेंगे और इसको घोटते जाएंगे। बहुत अच्छी तरह से घोटना है। अगर आपसे घोटा नहीं जा रहा हो और आपको मुश्किल लग रही हो तो आप इसको ब्लेंडर में भी डाल के ब्लेंड कर सकते हैं। इसको जो हमने जो रात मिर्ची डालने के बाद जो हमने इसको पकाया था, तकरीबन आप समझ लेंगे, अगर आप सारी रात नहीं तो आप तकरीबन इसको 8 से 9 घंटे बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है। जी, तो देखें हमारा जो साग है वो घुट चुका है अच्छी तरह से। अब हम इसका बघार तैयार करेंगे। बघार के लिए यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है 3/4 कप। इसके अंदर हम चॉप की हुई प्याज ऐड कर रही हूँ। आप इस प्याज की जगह आप हरे प्याज भी ऐड कर सकते हैं, हरे प्याज का जो वाइट वाला पार्ट होता है वो। इसको अब हम कुक करेंगे इतनी देर के हमारी जो प्याज है वो ब्राउन होना शुरू हो जाए। इसके अलावा मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी, लेकिन आप अगर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड ना करना चाहें तो आप जो हरा लहसुन होता है वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। प्याज को चॉप ही करके बिल्कुल फाइन चॉप करके डालिएगा ताकि जब आप इसको साग डालें तो वो उसमें अलग अलग प्याज नज़र ना आए, मिक्स हो जाए सारी। जी, तो प्याज जो है वो हमारी तकरीबन ब्राउन होना स्टार्ट हो गई है। हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है मैंने। ज़ीरा पाउडर, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है मेरे पास तकरीबन 1 टेबल स्पून, ये ऐड कर दिया। और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे तकरीबन 1/4 कप ताकि हमारी प्याज जो है वो जले नहीं। जी, तो अब जो हमारे तकरीबन ये हो गया है और अब हम इसके अंदर साग ऐड करेंगे। साग ऐड करके, साग के अंदर मैंने इसमें जो मसाला, मतलब जो बघार बनाया है उसमें ना मैंने नमक डाला है, ना मैंने हरी मिर्ची डाली है, ना लाल मिर्ची डाली है, इसलिए क्योंकि हमारे जो साग में था उसमें बिल्कुल नमक और मिर्च बिल्कुल परफेक्ट थी तो मुझे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हम मकई की रोटी ले बनाने के लिए हमने यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 किलो मकई का आटा और 2 कप घर का जो आम जो नो फाइन आटा था वो, और 2 टेबल स्पून घी, और अब मैं इसमें पानी डाल के इसका आटा गूंद रही हूँ। आटा जो है वो आपने सख्त गूंदना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको गूंदते जाएंगे। अगर आप इसको सिर्फ
मकई के आटे से बनाना चाहेंगे तो ये नहीं बनेगा। आप जब मकई की इसमें बनाएंगे मतलब जब रोटी बनाना शुरू करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा टूटेगी, तो इसलिए बेहतर है कि आप इसमें घर का जो आम आटा होता है वो भी ऐड करें। जी, तो आटा मैंने गूंद दिया था, अब मैं इसको स्लैब पे रख के मतलब काउंटर फ्लोर पे रख के आपने इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से अपने इसको मसलना है कि बिल्कुल जो हमारा आटा है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए। ये देखें हमारा जो आटा है वो बिल्कुल स्मूथ हो रहा है। इसी तरह से मैं बाकी सारा भी जो आटा है उसको भी इसी तरह से स्मूथ कर लूँगी। अगर ज़्यादा क्वांटिटी है तो आप भी मेरी तरह दो दो पार्ट में या थ्री पार्ट में फोर पार्ट में करके इसको थोड़ा थोड़ा सा करके आप अच्छी तरह से गूंद लें। पानी में डाल रही हूँ इसलिए मुझे लग रहा है कि पानी की ज़रूरत है। अगर आपको लगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, नहीं लगे तो आप बेशक इसमें पानी ऐड ना करें, लेकिन आटा जो है वो आपका बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। आप इस आटे को बनाने के बाद तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, बाहर ही छोड़ दें या फ्रिज में रख दें आधे घंटे के लिए, ताकि ये हमारा जो आटा है वो सेट हो जाए और फिर हम इसकी जो है वो रोटियां बनाना स्टार्ट करेंगे। मैंने सारा आटा एक साथ मिक्स कर लिया और इसको देखें इस तरह से आपने जितना आम पेड़ जितना जितना आम बॉल बनाते हैं इस तरह से आपने बॉल बना लेनी है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बटर पेपर लिया, बटर पेपर को लेके मैंने उसको उसके ऊपर ये पेड़ा रखा और मैंने उसके ऊपर एक और बटर पेपर दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप कोई भी गोल कटर ले लें या गोल की पतीले का कवर ले लें और इसे आपने इस तरह से गोल काट के ये देखें गोल हो गया। अब आपने इसको गर्म तवे पे उलट देना है ऐसे, और अब आपने इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे अपने इस रोटी को पकाना है। अगर आप इसको फुल आंच पे पकाएंगे तो रोटी ऊपर से पक जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी, तो इसलिए आपने इसको मीडियम फ्लेम पे हल्का हल्का हल्की से पकाना होता है। अब ये एक साइड से पक गई है, मैं इसके ऊपर एक साइड पे घी लगा देती हूँ। घी लगा लें, ऑयल लगा लें, मक्खन लगा लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। इसको इसका कुकिंग मकई की रोटी का कुकिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है ताकि कच्चा ना रह जाए अंदर से। जी, तो देखिए हमारी जो मकई की रोटी है वो भी तैयार है और हमारा साग भी तैयार है। उम्मीद है कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। सर्दियां हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारी रेसिपी को लाइक शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।